शहर को स्वच्छ और सुंदर बनाने हेतु शहरी खटालों पर कार्रवाई जारी है। इसी कड़ी में जोन एक के वार्ड क्रमांक दो स्मृति नगर में पुलिस चौकी के पास खटाल में जोन एक की टीम ने दबिश दी एवं गंदगी फैलाने पर खटाल संचालकों को चेतावनी देते हुए भारी भरकम जुर्माना भी वसूला। स्वच्छ और सुंदर भिलाई की परिकल्पना को साकार करते हुए निगम भिलाई के जोन एक की टीम लगातार शहर भर में प्रतिबंधित प्लास्टिक को बंद कराने एवं शहरी क्षेत्रों में संचालित हो रहे खटालों पर कार्रवाई कर रही है। इसी कड़ी में निगम भिलाई की जोन एक की टीम ने वार्ड दो स्मृति नगर के मुख्य मार्ग के किनारे संचालित हो रहे खटाल पर दबिश दी और खटाल संचालकों द्वारा शहर भर में फैलाए जा रहे गंदगी पर नाराजगी जाहिर करते हुए उन्हें सख्त शब्दों में चेतावनी दी और उनसे भारी भरकम जुर्माना भी वसूला। एक खटाल संचालक द्वारा जुर्माने की राशि न देने की स्थिति में उसके मवेशी को पकड़कर गौठान ले जाने की कोशिश की जा रही थी, तभी खटाल संचालक द्वारा जुर्माने की राशि अदा कर दी गई और उसके मवेशियों को खटाल संचालक के सुपुर्द कर दिया गया। इस बीच काफी गहमा गहमी का माहौल भी देखने को मिला, परंतु जोन एक की टीम के नेतृत्वकर्ता स्वास्थ्य निरीक्षक कमलेश द्विवेदी द्वारा मामले को संभालते हुए खटाल संचालकों को समझाइश दी गई कि शहर में किसी भी खटाल का संचालन अवैध है, इसलिए उन्हें यह खटाल अन्यत्र स्थान पर स्थानांतरित करना होगा। आज खटालों के ऊपर इसलिए हम कार्रवाई कर रहे हैं क्योंकि ये गंदगी फैला रहे हैं और अभी डायरिया का भी प्रकोप चल रहा है। नालियों में आजू बाजू थाने के पीछे भी इनका पूरा गंदगी फैला हुआ है। रोड में भी इनके द्वारा गोबर जो है छोड़ दिया जाता है, जिसके वजह से इनको प्रतिबंधित यह कार्य न करें और यहाँ पर खटाल भी ये न रखें, इसके वजह से इनको जुर्माना लगाया जा रहा है। एक खटाल को 12,000 किया गया है क्योंकि अत्यधिक जानवर उसके पास हैं। सेकंड नंबर को 10,000, थ्री नंबर को 6,000 का जुर्माना किया जा रहा है। और यदि जुर्माना की राशि एक को उपलब्ध हो गया है, दो यदि नहीं देते हैं तो इनके हम जानवर जो है यहाँ से गोठान ले जाएंगे। भिलाई निगम के जोन एक की टीम स्वच्छ भिलाई और सुंदर भिलाई की परिकल्पना को साकार करने के लिए प्रतिदिन कार्रवाइयां कर रही है, जिसका व्यापक असर देखने को भी मिल रहा है। ग्रैंड ओशियन न्यूज के लिए भिलाई से संतोष शर्मा की रिपोर्ट।